नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंच फैमिली के एक और एपिसोड में। दोस्तों, एसयूवी की मार्केट इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जहां तक बात करें हर कंपनी कहीं ना कहीं मार्केट में एसयूवी लेकर आ रही है। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से टॉप 10 एसयूवी हैं जो कि दिसंबर 2021 में ताबड़तोड़ सेल की है और इसमें कौन सबसे आगे रहा और कौन पीछे रहा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे एंट्री कर रही है फॉक्सवैगन की टाइगोन। जी हाँ दोस्तों, फॉक्सवैगन पोलो जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है हैचबैक में, उसी सेगमेंट के हिसाब से एसयूवी में मार्केट में फॉक्सवैगन ने टाइगोन लॉन्च किया जो कि 2828 के आसपास सेल की दिसंबर 2021 में। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 11 लाख से लेकर 18 से 19 लाख के आसपास ये आपको पड़ जाती है। दोस्तों नंबर 9 पे एंट्री ले रही है किया सोनेट जो कि दिसंबर 2021 में 3578 के आसपास सेल की जो कि पिछले साल लगभग 6000 था। दोस्तों चाहे आप बात करें चिप की, चाहे आप बात करें टाटा मोटर्स की ग्रोथ की, किया सोनेट की सेल्स काफ़ी ड्रॉप हो गई है पिछले साल के कंपेयर। तो दोस्तों नंबर 9 पे एंट्री करती है और इसकी प्राइस जो है 7 लाख से 13 लाख के आसपास है। नंबर 8 पर एंट्री करती है महिंद्रा की एक्सयूवी 700 जिसकी वेटिंग पीरियड आपको जैसा कि पता है साल भर के आसपास चल रही है। दोस्तों ये पिछले साल ही लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के साथ ही काफ़ी अच्छा इसका सेल्स फिगर आया है। 3960 के आसपास इसने दिसंबर 2021 में गाड़ी बेच दी है। तो दोस्तों महिंद्रा एक्सयूवी की अगर प्राइस की बात कर ले तो 13 लाख से लेकर 24 लाख के आसपास इसकी प्राइस जाती है। तो नंबर 8वें पे आती है महिंद्रा एक्सयूवी 700। नंबर 7 पर अगर बात करें तो किया सेल्टोस ने एंट्री किया है। दोस्तों किया सेल्टोस की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 में 4012 के आसपास गाड़ी बेची गई थी और अगर हम बात करें पिछले साल में तो पिछले साल इसी समय में 5700 के आसपास गाड़ी सेल हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आई हैं दोस्तों। और अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 10 लाख से लेकर 19 लाख के आसपास किया सेल्टोस आपको मिलता है। नंबर 6 पर अगर हम बात करें तो महिंद्रा की एक्सयूवी 300 की एंट्री होती है। दोस्तों 4260 के आसपास गाड़ी ने सेल की है दिसंबर 2021 में और अगर बात करें पिछले साल तो पिछले साल 3900 के आसपास गाड़ी बिकी थी। तो महिंद्रा और टाटा में इस साल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हमको देखने को मिला है और अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो 8 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग पड़ती है। दोस्तों नंबर 5 पर अगर हम बात करें तो कभी टॉप पर चलने वाली हुंडई क्रेटा नंबर 5 पर गिर गई है। दोस्तों हुंडई क्रेटा जो कि हर समय नंबर 1 पर चला करती थी एसयूवी के मार्केट में, आज नंबर 5 पर है। अगर बात करें दिसंबर 2021 की सेल की तो 7609 के आसपास गाड़ी बिकी है और अगर यही बात करें पिछले साल की तो पिछले साल इस समय गाड़ी जो है वो 10600 के आसपास सेल हुई थी। दोस्तों तो जैसा कि आप जानते हैं हुंडई क्रेटा की मार्केट ही अलग है और इसकी प्राइसिंग जो है 11 लाख से लेकर 18 लाख के आसपास आती है। नंबर 4 पर एंट्री ले रही है टाटा पंच। जैसा कि दोस्तों जानते हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ओवर डिमांड हो चुकी है गाड़ी और 10 महीने से 11 महीने के आसपास इसकी वेटिंग चल रही है। तो दोस्तों नंबर 4 पर एंट्री लेती है टाटा पंच जो कि अपने हर महीने में दर बदर इम्प्रूव ही करते जा रही है। नवंबर में जहां गाड़ी 6000 के आसपास बिकी थी वहीं दिसंबर में अगर आप देख सकते हैं तो 8008 के आसपास गाड़ी बिक चुकी है। तो टाटा पंच लेती है नंबर 4वें पर एंट्री। मारुति की सिर्फ एक गाड़ी मारुति विटारा ब्रेजा जो कि नंबर 3 पे एंट्री की है। दोस्तों दिसंबर 2021 में अगर बात करें तो 9531 के आसपास गाड़ी सेल हुई है जो कि पिछले साल इसी टाइम के आसपास अगर देखें तो 12000 के आसपास गाड़ी बिकी थी। विटारा ब्रेजा मारुति की सिंगल एसयूवी ऐसी गाड़ी है जो कि हर समय सेल के मामले में टॉप पे चलती है। दोस्तों और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 8 लाख से लेकर 12 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग है। दोस्तों तो तीसरे नंबर पर एंट्री ले रही है मारुति की विटारा ब्रेजा। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हुंडई की वेन्यू आती है दोस्तों और 10360 के साथ ये सेकंड नंबर पे अपने आप को स्थापित कर पाई इस बार। और अगर बात करें पिछले साल की तो 12300 के आसपास गाड़ी बिकी थी। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हुंडई वेन्यू की सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो लगभग आपका 8.5 लाख से लेकर 15 लाख के आसपास हुंडई वेन्यू आपको टच करता है। दोस्तों तो दूसरे नंबर पर एंट्री कर रही है हुंडई वेन्यू। दोस्तों अब आ गई है नंबर 1 की बात और आपको पता है टाटा नेक्सॉन ने मार्केट में फोड़ के रख दिया सबको। दोस्तों जहां तक बात करें लगभग
आपका 6000 से लेके 12900 तक की ग्रोथ दिखाई है टाटा नेक्सॉन ने। पिछले साल अगर बात करें तो सिर्फ 6000 के आसपास गाड़ी बिकी थी, जो कि इस साल 12900 है। तो नंबर वन पे सबको रौनती हुई आती है टाटा नेक्सॉन। और अगर बात करें तो टाटा की गाड़ियों की, तो जैसा कि आपने देखा टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन दोनों टॉप 10 में जगह बनाई हुई है और साथ ही साथ टॉप 5 में भी जगह बनाई है। तो नंबर वन पे है टाटा नेक्सॉन। तो दोस्तों ये हैं टॉप 10 SUV इस बार के। तो आपको कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।